रामपथ में गड्ढे, उसके बाद जलभराव और अब अयोध्या की सुंदरता को निखारने के लिए लगाए जा रहे फैंसी स्ट्रीट पोल के टूटने और गिरने का मामला सुर्खियों में है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने अखिलेश यादव को अयोध्या आने, दर्शन करने और विकास कार्यों को देखने के साथ ही 2017 की तस्वीर से अब की विकास की तस्वीर को मिलाने की चुनौती दे डाली। चलिए इस वीडियो में हम इसी ताजा मामले की पड़ताल करते हैं। अयोध्या धाम की गलियों को सुंदर बनाने के लिए फैंसी स्ट्रीट लाइट पोल लगाए जा रहे हैं। पोल लगाने के लिए जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, उन्होंने सड़क पर गड्ढे खोदे, उसको फिर ढंग से भरा भी नहीं, जिससे सड़क भी टूट गई। वहीं कुछ खंभे और कुछ खंभों पर लगी लाइट टूट गई। इसको लेकर भाजपा के 3 और सपा के 1 पार्षद ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की। इसी मामले को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर राजनीति गर्म हो गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक न्यूज कटिंग शेयर कर लिखा, अयोध्या में भाजपा ही भ्रष्टाचार का एक और भंडाफोड़। ये पोल नई भाजपा सरकार के विकास के दावे हैं जो धाराशाही हो रहे हैं। इस मुद्दे पर जब हमने अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने माना कि 12 खंभे टूट गए हैं और 114 खंभों पर लगी लाइट भी टूट गई है। हालांकि वो कहते हैं कि बंदरों की वजह से ये सब हो रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ, एक बार अयोध्या आ जाए और अपने साथ वो 2017 की तस्वीर भी लेते आवे और देखें आके अयोध्या की अयोध्या कितनी बदल गई है। हो सकता है अयोध्या, जिस अयोध्या से उनका परिचय रहा हो, उस अयोध्या को वो पहचान भी ना पाए। जहां तक डेकोरेटिव पोल लगने की बात है, एक करीब 71 करोड़ रुपए की परियोजना है हम लोगों की, 3600 कुछ पोल लगने हैं, 2900 कुछ पोल लग चुके हैं। 2900 पोल में 12 पोल ऐसे हैं जो धराशायी हुए, नहीं होने चाहिए थे। लेकिन आप अयोध्या की स्थिति जानते हो, अयोध्या में बंदर हैं, किस तरह से वो पोल को पहले भी डिस्टर्ब करते थे, आज भी डिस्टर्ब। और हमारी जिन कंपनियों को हम लोगों ने दे रखा है, उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी 5 वर्ष की है, तो उसको समय के साथ ठीक कर लेंगे। लेकिन 2900 की संख्या में 12, कोई मतलब उसका कोई एक सामाजिक से बात है, कोई विकास कार्य होगा तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्लेंट आएगा, तो हम लोग समय समय के साथ दूर करते हैं। वही शिकायत करने वाले भाजपा के पार्षदों से भी हमने बात की। उनका कहना है कि स्ट्रीट पोल लगाने से सड़क खराब हुई है और कई जगह स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कई जगह पोल का फाउंडेशन बनाकर छोड़ दिया गया है और गड्ढों को सही ढंग से भरा नहीं गया, इसीलिए उन लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर इसकी शिकायत की थी। लेकिन इस मामले के बढ़ते ही उन्होंने कहा, भैया पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा और का नाम है, शिकायत तो हम लोग हमारे नगर आयुक्त हैं वो और हमारे महापौर हैं, हम लोग रोज उनसे मिलते हैं, रोज हम लोग शिकायत पत्र अपनी समस्या, बाढ़ की समस्या जो होती है रोज हम लोग कहते हैं। तो हम लोगों ने, एक मेला आ रहा है, सावन मेला, डिस्ट्रिक्ट सावन मेला आने वाला है, 22-21 तारीख से चालू होने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग सोचे कि चलो भाई नगर आयुक्त से बता दिया जाए कि काम थोड़ा सा ढीला हो रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि चलिए मिलते हैं उनसे। और उसको प्रोपोगंडा ऐसा बना दिया गया कि 76 करोड़ कोई बता रहा है, कोई 74 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है। सत्यता यह है कि अभी वो ठेकेदार का बोला पेमेंट भी नहीं हुआ होगा अभी तक, तो अब काम प्रगति पे हो चल रहा है का। हम लोगों ने खाली नगरात महोदय से कहा था, महोदय बरसात का सीजन चल रहा है, सावन मिला रहा है, तो उसको गड्ढा अड्डा को थोड़ा सा कह करके उनसे तेजी पकड़वा दीजिए काम के लिए। बस इतनी सी कुल बात थी, हम लोगों को शिकायत थी, उसमें पता नहीं कहाँ से। दरअसल ये पूरा मामला अयोध्या धाम के अलग अलग वार्डों में लगाए जा रहे स्ट्रीट लाइट पोल का है। अयोध्या धाम के 15 वार्ड में 7,186.65 लाख की लागत में 3,652 डेकोरेटिव पोल हेरिटेज लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए 3 कंपनियों मेसर्स मार्फिन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को 2,028, मेसर्स नेल एनर्जी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 930 और मेसर्स ओरिएंटल इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को 694 इलेक्ट्रिक पोल लगाने का ठेका मिला, जिसमें से 2 फर्मों ने 90% और 1 फर्म ने 60% काम पूरा कर लिया, जिसके लिए बकायदा आवंटित धनराशि में से 1,574.47 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि इन कंपनियों को ये काम 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करना था, लेकिन डेडलाइन में काम ना होने के कारण नई डेडलाइन यानी कि 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई। हालांकि बढ़ाई गई ये डेडलाइन भी कब का बीत चुकी है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।